हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम विमेंस एजुकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड देयर इज ए सिंगल माइंडेडनेस। एक सच्चे संस्कारित व्यक्ति का सबसे बड़ा जो पहचान है वो है सिंगल माइंडेडनेस। यू नो, उसका मस्तिष्क एक विचार एक उद्देश्य के लिए सजग रहना चाहिए। अ डेडिकेशन टू अ सिंगल पर्पस, उसका समर्पण सिर्फ एक उद्देश्य के लिए ही होना चाहिए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हम इसे ऐसे समझेंगे, जैसे मैं किसी स्टूडेंट से बात करूं कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हो, तो कई बार देखा गया है कि उसके पास कोई एक ठोस आइडिया नहीं है, प्लान नहीं। वो कहता है कि मैं पहले ये क्लास करने के बाद फिर कोचिंग की तैयारी करूंगा, अगर उसमें नहीं हो पाता है तो फिर मैं ग्रेजुएशन करूंगा, ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स आ गए तो मैं इस कंपटीशन के लिए जाऊंगा, और वहां ऐसा नहीं हो तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगा, कुछ नहीं हो सका तो फिर मैं उसके बाद देखता हूं कि मैं बीएड करूंगा, टीचिंग की ओर चला जाऊंगा, एलएलबी करूंगा, मैं एडवोकेट बनने की कोशिश करूंगा, और कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट मेरे गांव में कुछ जमीन है, मैं खेती में चला जाऊंगा। सो दिस एग्जांपल इज अबाउट दैट द डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स एंड एम्स। इतने विचार एक साथ उसके साथ चल रहे हैं, ये फेलियर का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे में देखा गया है, जो पर्सनल मुझे एक्सपीरियंस है, कि जब हम 4-5-6 एम्स के बारे में बात करते हैं तो फाइनली जो सबसे लास्ट में हम बताते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव टू डू दिस, हम वही कर रहे होते हैं सबसे लास्ट में बताते हैं। दूसरी ओर जरूरत इस बात की है कि जब हम किसी से पूछें कि आपका एम क्या है तो उसके पास एक आंसर होना चाहिए कि आई वॉन्ट टू बी दिस, मुझे ये बनना है। दिस कुड बी अबाउट टीचिंग, डॉक्टरेट, इंजीनियरिंग, एनीथिंग एल्स, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट, सिविल सर्विस। तो जो भी हमारे पास उद्देश्य या लक्ष्य हो, वो बचपन से जैसे ही हमें समझ आए वो एक ही होना चाहिए। मेरा ये भी व्यक्तिगत रूप से मानना है कि टीचिंग सिस्टम के लिए, एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होना चाहिए कि बच्चे को, स्टूडेंट को उस रास्ते पर लाकर खड़ा करना जहां से उसे सिर्फ डिसाइड करना है कि उसे किस रास्ते पर जाना है, दिस वे और दैट वे। आई थिंक ये तो और भी अच्छा हो कि हम उसे इतना भी एहसास करा दें या शायद उसके अंदर से ये जान लें कि विच वे ही शुड गो टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, कि यही रास्ता है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। अगर हम ऐसा कर सके तो शायद एजुकेशन का सबसे बड़ा जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, आगे पढ़ते। सो फॉर द अनकल्चर्ड माइंड द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शंस। दूसरी ओर जो असंयमित मस्तिष्क है, या जिसमें यहाँ पे संस्कार शब्द थोड़ा भारी लगेगा, यहाँ पे असंस्कार की बात नहीं है, कल्चर को यहाँ डिसिप्लिन से जोड़ा गया है। दूसरी ओर अगर आप अनुशासित नहीं हैं, या आप असंयमित हैं, या आपने वो संस्कार नहीं लिए हैं जो आपको एक लक्ष्य की ओर ले जा सकें, तो आप विभिन्न दशाओं में विभिन्न रास्तों पर बिखरे हुए इंसान दिखाई देंगे, जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, फाइनली वो किधर भी नहीं जा सकता। देन देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट द एजुकेशन विच यू एक्वायर, इसलिए बहुत जरूरी है कि जो शिक्षा आप अक्वायर माने ग्रहण करते हैं, इन दीज इंस्टीट्यूशन शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग एंड स्किल। इन संस्थानों में, शैक्षिक संस्थानों में, वो ना कि सिर्फ आपको ज्ञान दे, स्किल माने कौशल दे, बट एंडो यू, बल्कि ये भी दे विद अ डेफिनेट पर्पस इन लाइफ, कि आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य, निश्चित लक्ष्य क्या होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक फंडामेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन टू। यही शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है कि जो छात्र को उस सही रास्ते पर पहुंचा सके। What the purpose is you have to define for yourself। अब वो जो उद्देश्य होगा ये आपको खुद डिफाइन करना है।
because you are the only person who is capable for what you could do, what you should do. आप क्या कर सकते हो, आप में कौन सी काबिलियत है, आप में कौन सी कैपेबिलिटीज हैं, आपके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. गब्बर को एक ही आदमी हरा सकता है, खुद गब्बर. इसीलिए आपको भी सिर्फ एक ही आदमी हरा सकता है, सिर्फ आप. और आपको एक ही आदमी जिता सकता है, मैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप. तो जब तक आप उस आदमी को खोज नहीं लेंगे, तब तक आप सफलता के रास्ते पर जा नहीं सकेंगे. तो आपको डिफाइन करना है अपने बारे में कि आपका रोल क्या है सोसाइटी में. यू बेटर नो, जैसे एक कैप्टन को पता होता है कि उसे टीम में किस खिलाड़ी से क्या चाहिए, उस खिलाड़ी को भी पता होना चाहिए कि आखिर टीम मुझसे चाहती क्या है. मुझे याद है एक टाइम में राहुल द्रविड़ हमारे महानतम बल्लेबाजों में से एक थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो टीम के लिए उन्होंने विकेट कीपिंग की वनडे इंटरनेशनल में, वर्ल्ड कप में भी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो ऐसा कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसा किया. टीम की डिमांड थी और उन्होंने उसके लिए अप्लाई किया. इट इज सेड दैट विद्या गिव्स यू विवेक. ऐसा कहा जाता है कि विद्या विवेक देती है, थिंकिंग के बारे में बताती है, यू नो, पेशेंस हमें देती है. बिंब स्वरूपनी विद्या गिव्स यू अ सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग. जो विश्व स्वरूपनी विद्या है, वो सबसे बड़ा उसका रोल यही है कि वो हमें ये समझा सके कि सही क्या है और गलत क्या है. दुनिया का सबसे बड़ा फलसफा यही जानना है कि सही क्या है और गलत क्या है. सिर्फ यही जिस दिन हम जान लेंगे, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो जाएगा. यू मस्ट ट्राई देयरफॉर टू फाइंड व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन. आज की पीढ़ी में, आज के समाज में किस चीज की जरूरत है और क्या आप उस जरूरत को पूरा कर पा रहे हैं. जिस दिन आप ये जान जाएंगे, आपकी सफलता में रोकने वाला कोई नहीं. अ पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरीज एगो मे नॉट होल्ड गुड टूडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ योर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड. जो रिक्वायरमेंट 40 साल पहले थी, 30 साल पहले थी, 20 साल पहले थी, मैं तो कहता हूं 10 साल पहले थी, वो आज नहीं है. मुझे याद है 30-35 साल पहले जब हमारे यहाँ टीवी आया, तो पूरा एक बहुत बड़ा एक शो था, एक बहुत बड़ा इवेंट था. ये कितनी बड़ी चीज हो गई. 30 साल पहले गांव में मोटरसाइकिल किसी की आती थी तो बच्चे आते थे कि थोड़ी देर हमें मोटरसाइकिल पर बैठा लो. 20 साल पहले कार आती थी किसी के, 10 साल पहले तो लोग इकट्ठे हो जाते थे. आज ये बड़ी चीजें नहीं हैं. तो चीजें वक्त के साथ बदल रही हैं. अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो हम इस वक्त के साथ चल नहीं पाएंगे. इसलिए जो रिक्वायरमेंट सोसाइटी की 10 साल पहले थी, वो आज नहीं. हमें ये देखना होगा कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो कोर्सेस हम कर रहे हैं, जो नॉलेज हम गेन कर रहे हैं, क्या वो आज के समय के हिसाब से हैं, क्या इस समय की डिमांड हम उस शिक्षा के साथ पूरी कर पाएंगे, ये जानना बहुत जरूरी है. अ पर्पज विच हेल्ड गुड सेंचुरी जगो मे नॉट होल्ड गुड टूडे इन व्यू ऑफ द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ अवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड. सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रेलिवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन. इसलिए जो उद्देश्य हमने शिक्षा का ग्रहण किया है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम एजुकेशन पा रहे हैं और बढ़ रहे हैं, हमें देखना होगा कि आज के बदलते दौर में, आज के बदलते देश में, समाज में, संसार में, क्या वो रेलिवेंट है, प्रासंगिक है, आवश्यक है, आज की नीड, आज की जरूरत को पूरा कर पा रहा है. अगर ऐसा कर पा रहा है तो ही हम शिक्षा का उद्देश्य समझ पा रहे हैं, तो ही इस संसार में, इस समाज में हमारा कोई योगदान हो सकेगा, तो ही हम एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे या सफलता प्राप्त कर पाएंगे. ठीक है, तो इस वीडियो में ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करें. थैंक यू वेरी मच. इंजॉय योर स्टडीज. बाय. टेक केयर.